बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फ़ायज़ा बुखारी के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत मुनफरिद है। जब हम सियासत पे बात करते हैं तो फिर मैं कुछ बात करूँगी कुछ ऐसे शख्सियत के पास में आज मौजूद हूँ कि जिनके वालिद गिरामी जो हैं तहरीके पाकिस्तान में खासी अहमियत रखते हैं। बल्कि ये कहना भी बिल्कुल बजा होगा कि आपके फादर जो हैं वो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। कहाँ चले गए वो, उन्हें हिस्ट्री से कैसे ढूंढा गया, कैसे निकाला गया, और इसी के साथ साथ अगर बात की जाती है रियल स्टेट के बिज़नेस के हवाले से या बिल्डिंग्स के हवाले से बात की जाती है तो फिर रफ़ी ग्रुप जो है वो हमें कहीं दूर नज़र नहीं आता। अगर बात करते हैं बिल्डिंग्स के हवाले से तो इनका शुमार उन शख्सियात में होता है कि जब बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड इर्द गिर्द मौजूद नहीं था, ये उस टाइम पे बड़ी बिल्डिंग्स बनाया करते थे और ये ट्रेंड आज भी इन्हीं के पास है। और रियल स्टेट के बिज़नेस के अगर हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त करेंटली कहाँ स्टैंड करता है। एक तरफ पे पाक चाइना कॉरिडोर है, वो ओपन हो चुका है, सी पैक पर काम किया जा रहा है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ स्टैंड होती हुई नज़र आती है। मैं मौजूद हूँ जी इस वक्त, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान। इनसे आज बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये पाकिस्तान के करंट सिचुएशंस को, करंट हालात को किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी कुछ आपके वालिद गिरामी के हवाले से। हम जब बात करते हैं रफ़ी भट्ट साहब की, तो रफ़ी भट्ट साहब जो है मेरे नाज़रीन को और मुझे बताइए कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के करीबी साथियों में उनका शुमार होता है और तहरीके पाकिस्तान के अंदर उनका एक अहम किरदार है। रफ़ी भट्ट साहब की जो शख्सियत है, क्योंकि आप 2 माह के थे जब आपके फ़ादर का इंतकाल हुआ एक फ़जाई हादसे में, अपने फ़ादर को आपने ढूंढा, खोजा, निकाला और उनको इस मुकाम तक मतलब पहुंचाया गया, आपने पहुंचाया दोबारा से कि वो शख्सियत जो एक अहम पोजीशन रखती है उसको लोगों में दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करवाना, इस चीज़ में कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी? फ़ायदा एक बदकिस्मती रही रफ़ी भट्ट की और मेरी भी उसमें और कौम की भी, कि रफ़ी भट्ट का जो तल्लुक था कायदे आज़म के साथ बेपनाह करीबी का था, मगर रफ़ी भट्ट को कायदे आज़म ने स्ट्रीट्स पॉलिटिक्स में नहीं आने दिया, बल्कि उनको कहा कि जब पाकिस्तान बनेगा तो तुमने पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर जाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान को करना है, क्योंकि रफ़ी भट्ट बेसिकली एक जहीन बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे और उनके कॉन्टैक्ट्स पार्टीशन से पहले भी अमेरिका और इंग्लैंड के बड़े बड़े सनअतकारों के साथ थे। तो कायदे आज़म ने रफ़ी भट्ट को उसके लिए रखा हुआ था। अच्छा, अब बदकिस्मती ये होती है कि कायदे आज़म फौत होते हैं 11 सितंबर 1948 में, उसके 2 महीने बाद रफ़ी भट्ट का एयर क्रैश होता है विहाड़ी के ऊपर, 2 महीने के बाद। सो जो तल्लक कायदे आज़म और रफ़ी भट्ट का था वो बीच में ही गर्क हो गया, इट डिड नॉट कम टू दी लाइम लाइट। तो रफ़ी भट्ट का और कायदे आज़म का जो भी रابطہ था वो इनका एक दूसरे का पर्सनलाइज था और कौम तक ज़्यादा नहीं पता था, और एक अनसंग हीरो था रफ़ी भट्ट। जब मैं 40 साल का हुआ, आज से 32 साल पीछे, तो मैंने रिसर्च की अपने बाप की, को मुझे अपने बाप के बारे मालूम करना था एज अ सन, बिकॉज मैं ऑर्फन था, यतीम था, 2 महीने का था जब मेरा बाप फौत हुआ। तो जब 40 साल का हुआ तो मुझे अर्ज थी टू नो माई फादर। जब मैंने वो अर्ज में गया और मुझे ये नहीं पता था उनका कायदे आज़म से कितना गहरा ताल्लुक था, ये मुझे एक्चुअली नहीं पता था, मेरी वालदा बताती होती थी, बट मुझे उस तरह पर्सपेक्टिव में ना यकीन आता था ना समझ आती थी। तो जब मैंने 32 साल पहले आज से अपने बाप पे रिसर्च की, तो रिसर्च करके खतूत मिले बिटवीन रफ़ी भट्ट एंड कायदे आज़म, और कायदे आज़म की डायरीज मिली जिसमें रफ़ी भट्ट कायदे आज़म को मिल रहा है, कायदे आज़म की अपॉइंटमेंट्स लिख रहे हैं, अपने हाथ से लिख रहे हैं, और खतूत मिले, तो दैट सेड इट ऑल। मतलब रफ़ी भट्ट को कायद क्या कह रहा है और कायद रफ़ी भट्ट को क्या कह रहा है, दैट सेड इट ऑल। तब जब वो हमने खतूत छापे तो तब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, तो वो खुद आई, उन्होंने इनॉग्रेट किया। तो वो खतूत के बाद रफ़ी भट्ट को रफ़ी भट्ट को कौम की हिस्ट्री में डाला गया। बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग था उस वक़्त जब ये हुआ, तो एक इम्तियाज़ सिप्रा राइटर था, तो उसने लिखा सन सेव्स द फादर, फादर सेव्स द सन, ये आर्टिकल था। उसमें आगे लिखा था उसने कि बेटे ने बाप को
बचाया कि हिस्ट्री में ले आया, और बाप ने बेटे को बचाया कि गलत नहीं जाने दिया। बिल्कुल, तो उनकी लाइन सेट कर दी, उसने लाइन सेट कर दी बेटे की। तो ये उसने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा था। तो एक बदकिस्मती थी इस तरह के कई अनसंग हीरोज होंगे जिनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ होंगी पाकिस्तान बनने में और कायदे आज़म के साथ, मगर वो ऑन सरफेस नहीं आए। फिर फिजा मैं कहता रहा, जब मैंने रिसर्च की अपने साफियों को, हिस्टोरियंस को, मैंने कहा यार ये तो तुम लोगों का काम था उस वक्त के साफियों का, उस वक्त के हिस्टोरियंस का, कि आप ये करते जो मुझे 32 साल के बाद करना पड़ा। और उस वक्त के जो साफी थे और हिस्टोरियंस से जो फौत हो गए आज, वो शर्मिंदा थे इस बात पे। उन्होंने कहा बस हम अपनी लहर पे ही लगे रहे। अच्छा, ये जितना आपने आसानी से बताया है ये काम उतना ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल था कि आपने उस चीज़ को ढूंढा है कि जो चीज़ उस वक्त हाईलाइट ही नहीं की गई। 40 साल के पीछे चीज़ ढूंढी, और ये ढूंढी नहीं कि लोगों से बातें सुनी, डॉक्यूमेंटेशन फोटोग्राफ्स ढूंढी। और मैं 7 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने मेरे साथ कुछ 4-6 लोग थे रिसर्च टीम के, 7 ईयर्स हमने लगाए हर जगह जहाँ रफ़ी भट की कोई चीज़ मिल सकती थी, आर्काइव्स लंदन की, आर्काइव्स इस्लामाबाद की, कॉरपोरेशन में कुछ, जहाँ कुछ मिल सकती थी वो अपने हिसाब से सर्च करती थी। 7 ईयर्स और 7 साल फैजा मैंने वो अपने बिजनेस के और अपनी फैमिली के सारे रफ़ी भट पे लगाए, अपने बाप पे, और मेरे पे जुनून चढ़ चुका हुआ था बाप का। और तस्वीरें मिलती थी, मैं अपने कमरे में लगाता था, जैसे आप घर में आई हैं तो आपने तस्वीरें देखी, तो मैं उनके साथ आई वॉज लिविंग विद देम एक्चुअली, बिकॉज मैंने सोचा था एक बात एक देखा। बड़ी तारीखी बात जो है मुझे आपकी पता चली कि जिसमें आपको मोहतरमा ने कमेंट किया था कि क्या आपको कभी रफ़ी भट साहब मिले हैं आके। मोहतरमा ने उसमें बकवायदा आपसे ये भी कहा कि जब वो जेल में हुआ करती थी तो तब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो उनको मिलने आया करते थे। ये क्या सीन था, ये क्या बात थी, और कभी आपने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को? बिल्कुल ठीक आपने, बिल्कुल ठीक आपने। मोहतरमा ने मुझे एक दिन कहा कि हम रफ़ी भट पे बात कर रहे थे, कायद पे बात कर रहे थे, भुट्टो साहब पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे बताएं कि आपने अपने बाप पे इतनी रिसर्च की तो कभी वो आपको दिन दिहाड़े फील हुआ कि आपसे वो बात कर रहे हैं? तो मैं चुप कर गया, मैंने कहा लगता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जब जेल में थी तो मुझे बकायदा भुट्टो साहब आते थे और आके मुझे नज़र आता थे कि वो मुझे गाइड कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो मैंने उनको कहा मतलब बात यह कि मुझे भी ये लगता था और लगता रहा है, बट मैं ये समझता हूँ शायद मेरी ये सोच ज़ेन का खलल है या ख्याल है, बट मैं इस पर रियलिटी शायद नहीं समझा कि ये रियलिटी है, बट मुझे भी ये फील होता है। तो फिर उन्होंने मुझे कन्विंस किया नहीं, ये हकीकत होती है, जो शहीद हो जाएँ और अपने लव्ड वंस के पास आते हैं उनको गाइड करते हैं, उनको गाइड करते हैं, ये उन्होंने मुझे कहा। मैंने कहा अच्छा ये आपका तजुर्बा हुआ, मुझे भी फील होता था बट मैं इतना कन्विंस नहीं था इस बात पर, मैं कहा शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में उतना ज़्यादा है कि वो आपको उस तरह से फील हो रहा है। अच्छा, जब आपने अपने फादर को ढूंढ लिया रफ़ी भट साहब को, कैसा लगा कि मेरे फादर जो हैं वो एक बड़ा हिस्ट्री में एक मुकाम रखते हैं और आपने उनको ढूंढ कर वापस ला के रखा, तो एज अ सन कैसा फील हुआ उस वक्त जब अपने फादर को आपने ढूंढा? इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड एज अ सन आई फेल्ट इट वॉज माई ड्यूटी टू पुट हिम इन हिस्ट्री एज ड्यूटी एट वॉट एवर कॉस्ट। और मेरे बहुत सारे दोस्त आते थे मुझे, कहते थे कि तुम जो रिसर्च कर रहे हो तुम्हें पता है कि इसमें कुछ भी नहीं होता, किताब लिखी जाएगी तो किताब में तो कोई फाइनेंशियल गेंस नहीं होते, तो तुम कहाँ अपना टाइम गुजार रहे हो और अपने बिजनेस को छोड़ा हुआ है। तो मैं उनको कहता था जो मेरी लगन है उस पर मैं फ़ायदा नुकसान नहीं देख रहा। तो इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग। मगर फैज़ा आपको बताऊँ एक चीज़ इंटरेस्टिंग, कि जब मैंने उनको रियलिटी में पाया तो मैं डिप्रेस भी हो गया, बहुत डिप्रेस भी हो गया। वो डिप्रेस ऐसे हो गया कि जब मैंने देखा कि रफ़ी भट एक्चुअली क्या थे, 16 साल की उम्र पे उनके वालिद फौत होते हैं और वो अपनी वालिद की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की फैक्ट्री को टेक ओवर करते हैं 16 साल की एज में। 25 साल की उम्र पे वो
इंडिया की सबसे बड़ी सर्जिकल एंड हॉस्पिटल अप्लायंसेस बनाते हैं 26 साल की उम्र में, जबरदस्त 25-26 साल की उम्र में, 27-28 साल की उम्र में वो पहला मुसलमान है जो इंडिया में बैंक बनाता है, सेंट्रल एक्सचेंज बैंक, 27-28 साल की उम्र में पहला बैंक मुसलमान है पूरे इंडिया में जो बैंक बनाता है, और 30-31 साल पे वो कायदे आजम को मिल जाते हैं और कायद को ज्वाइन कर लेते हैं। जब मैंने देखा कि उनकी अचीवमेंट्स ये हैं, और मैंने क्या किया 40 साल की उम्र पर जब मैंने रिसर्च की तो मैंने सोचा मैंने बड़ा कुछ कर लिया है, क्या कर लिया, बड़ा घर ले लिया है, बड़ा दफ्तर बना लिया है, बड़ी गाड़ी खरीद ली है, मैंने सोचा ये बहुत बड़ी मैंने अचीवमेंट कर ली, तब इसके लिए मैंने रिटायरमेंट की और मैंने अपने बाप पर रिसर्च की, तो आई गॉट डिप्रेस्ड ऑल्सो कि यार उसने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, इतना कुछ अचीव कर लिया, तो मैं तो बड़ी थोड़े से पैसे की अचीवमेंट करके ही बड़ा इस पे खुश हो गया था कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया। सो दैट वाज आल्सो अ हैप्पीनेस कि आई पुट हिम बैक टू हिस्ट्री, एंड देन दैट वाज अ डिप्रेशन आल्सो कि मैंने कुछ नहीं किया कंपेयर टू माय फादर, एंड देन आई टेल यू रफी भट जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो इतनी हाई अचीवर्स हों, और आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें देखें और उनका वक़्त देखें जिस वक़्त से वो निकले और आज का वक़्त भी देख लें, इतना हायर अचीवर बहुत कम लोग होते हैं, और इसके लिए शायद वो अल्लाह को प्यारे भी जल्दी हो। सही। अच्छा, अब मैं आती हूँ कुछ आपकी लाइफ की तरफ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो हैं आपके क्लास फेलो रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा के साथ भी आप उनके करीबी साथियों में शुमार रहे हैं, तो सियासत में जाने का शौक क्यों नहीं हुआ, या अगर हुआ तो क्यों नहीं गए, ये बताइए। देखिए, नवाज शरीफ और मैं स्कूल में इकट्ठे थे, सेंट एनीज हाई स्कूल में, 1958 से लेके 1961 तक 4 साल हम एक ही जमात में थे, इकट्ठे 4 जमातें। उसके बाद मैं लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली मड़ी चले गया बोर्डिंग में, और फिर मैक्सी कॉलेज आ गया, वो गवर्नमेंट कॉलेज चले गया। हमारी बड़ा तल्लक था, बड़ा बचपन की दोस्ती थी। जब 86 में वो इलेक्शन लड़े और MNA और MPA के, तो मैं उनके साथ ही था, उनके जलसे भी कराए हॉल रोड पर, बड़ा तल्लक था और बड़ा करीबी तल्लक था, और एक बचपन की लंगोटिया दोस्ती होती है वो था, तो उसकी वजह से मैंने सियासत को बड़ा करीबी देख भी लिया, उनके साथ रह के देख लिया। तो उस वक़्त ये टाइम था 86-87 में जब मैं अपने बिजनेस में इन्वॉल्व था ज़्यादा, तो अपने फाइनेंशियली अपने को डेवलप कर रहा था। फिर जब मैंने रिसर्च में गया, तो जब रिसर्च में गया तो उस रिसर्च की वजह से मेरी मोहतरमा बेनज़ीर से मुलाकात हुई, रब्ता हुआ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब ये उनके तक पहुंची खबर कि एक बेटा है जिसने अपने बाप को रिसर्च में ढूंढा है, और वो रिसर्च में रफ़ी भट है जिसका कायदे आज़म से ये तल्लक था और ये कंट्रीब्यूशन थी, तो बेनज़ीर को वुमन ऑफ हिस्ट्री थी, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने मेरे दोस्त को कहा मखदूम अल्ताफ जो सीनियर मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के, कि ये किताब की लॉन्चिंग मैं करूँगी आगे, वो लॉन्च करने आई किताब। वहाँ पर हमारी पहली मुलाकात हुई, और वहाँ पे जाके उन्होंने मुलाकात में उन्होंने स्पीच भी की और शी अप्रिशिएटेड एवरीथिंग। तो वहाँ से मेरा उनका बड़ा गहरा सियासी तल्लक हो गया। और एक हमारा जो कॉमन था नवाज शरीफ से, मेरे कॉमननेस थी बचपन की दोस्ती और तल्लक स्कूल का, बेनज़ीर से मेरा कॉमन था बाप की मोहब्बत और बाप की दर्द, ये था कॉमन। इन दिस प्रोसेस मैंने जब सियासत को देखा करीब से, तो मैंने देखा कि जब हम छोटे थे तब सियासतदानों को हम बड़ा अच्छा समझते थे और देखते थे और इज्जतदार समझते थे, बट प्रोसेस में सियासतदानों की इज्जत ख़त्म होती रही जी। और ये देखा कि अगर आप सियासत में जाएंगे तो अपनी जो आपने कमाया या इज्जत की खट्टी है वो भी चले जाएगी, तो इसके लिए मुझे सियासत में झाका हो गया कि यहाँ जाऊँगा तो अपनी इज्जत जो है वो भी गुवाऊँगा, और जो सियासतदान का कहा जाता है या पैसे कमाते हैं या नजायज़ काम करते हैं, वो ना मैंने नजायज़ काम करना है ना मैंने पैसा कमाना है, तो फिर मैं क्या करूँगा आगे। और थर्ड चीज़ है कि मैं हूँ बंदा वो जो अपना अगर वक्त गुजारेगा कहीं भी डालेगा तो मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ। मिस्टर जिना की ये सेइंग थी ना कि अगर पढ़े लिखे नौजवान हों तो वो माशरा जो है वो अच्छा बिल्ड हो जाता है, पढ़े लिखे नौजवान इस माशरे का जो है मुस्तकबिल है, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट ऑलरेडी कर रहे हैं। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपने एक ट्रेंड मुतारफ करवाया बिल्डिंग्स बनाने का, और उस टाइम पर मुतारफ करवाया जब बिल्डिंग्स बनाने का ट्रेंड ही नहीं होता था,
कैसे ख्याल आया कि आपको इस फील्ड लाइन की तरफ आना चाहिए, आप कहीं और भी हो सकते थे, कहीं और भी जा सकते थे? देखिए, मैं अमेरिका गया 25 साल की उम्र में अमेरिका गया और 4-5 साल मैं अमेरिका रहा जी। और वहाँ पे मैंने वेटरी भी की बैरागिरी, और फिर एक साल वेटरी की रेस्टोरेंट्स, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, और फिर मैंने वहाँ पे कापड़स का बिजनेस किया जी। ये जो हाथ के कापड़स बने होते हैं पाकिस्तानी, वो बिजनेस किया। उसके 4-5 साल के बाद फिर मैं वापस आया, बिकॉज मेरी वालदा अकेली थी, मेरी एक बहन थी उसकी शादी हुई थी, तो मेरी वालदा अकेली थी तो वो बहुत मिस करती थी मेरी प्रेजेंस को। तो मैंने अमेरिका में अपना बिजनेस जो कापड़स का शुरू कर दिया था वो छोड़ दिया। तो वापस आ गया। जब वापस आ गया तो अमेरिका में उस वक्त बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी, बिल्डिंग्स की और रियल इस्टेट की बहुत डेवलपमेंट हो रही थी। तो मुझे नज़र आ गया कि ये चीज़ पाकिस्तान में आएगी और ये डेवलपमेंट का स्टाइल बदलेगा। उस वक्त पाकिस्तान में स्टाइल ये होता था कि एक लंबी सी दुकानें होती थी, खाली फ्रंट की दुकानें होती थी, प्लाजा बिल्डिंगें नहीं होती, फ्रंट की दुकानें, सड़क के साथ दुकानें होती थी, अगले मोटरसाइकिल उतारी या साइकिल से उतरा तो दुकान में गया तो वापस आ गया। तो वहाँ पे मैंने हॉल रोड पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाई दो, और उसमें जो दुकानें थी वो छठे फ्लोर तक ले गया और बड़ी बड़ी सक्सेसफुल सेल हुई, एंड दैट इज़ वेयर आई मेड माई मनी, लॉट ऑफ मनी। ये क्रेडिट भी अब आपको जाता है कि जब कभी भी हम बिल्डिंग्स की हिस्ट्री को उठा के पढ़ते हैं तो क्रेडिट गोज़ टू यू कि आपने शॉपिंग एरियाज को मुतारफ करवाया, फिफ्थ सिक्स फ्लोर शॉपिंग ले गया। तो फिर उसके बाद मैं पहला था जिसने फार्म हाउसिंग की लाहौर में दीन एकर्स के नाम के साथ। अब ग्वादर में, एज यू नो आई एम इन्वॉल्वड इन ग्वादर। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे के बाद मजीद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आईटी एक्सपर्ट से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज। और ला रही हूं आपके लिए खाबे शाबे। मैं आपको बताऊंगी खाने की लजीज चीजें कहां से मिलती हैं। देखना मत भूलिएगा सिर्फ टैलेंट न्यूज पर। नासरीन, आपको प्रोग्राम में दोबारा से खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आज के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब, जहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने मुझे बताया अपने वालिद के हवाले से और कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हवाले से कुछ बात हम कर रहे थे रियल इस्टेट के काम के हवाले से, जहाँ रफ़ी ग्रुप के पास ये ऑनर जाता है कि लाहौर शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मुतारफ़ कराया। वहीं पर इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब से कुछ बात करते हैं पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के हवाले से। एक ऐसे बिज़नेस के साथ आप मुंसलिक हैं कि जहाँ अप्स बहुत कम होती हैं, डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और रियल स्टेट का काम जो है ये बाय लक शायद बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसे ही चेंज होती है ये काम बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। आप किस तरह से देखते हैं कि कौन सा दौरे हुकूमत जो है वो रियल स्टेट के लिए कैसा रहा, और मौजूदा दौरे हुकूमत को आप किस तरह से देखते हैं? बड़ी अच्छी बात की आपने कि इसमें डाउन ज़्यादा आते हैं और अप्स कम आते हैं, स्पेशली इन पाकिस्तान, बिकॉज रियल इस्टेट ये है काम कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट होती है जी। और इन्वेस्टर जो है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट में अपना पैसा निकाल के लगाता है जी। और पाकिस्तान में एज यू नो स्टेबिलिटी पॉलिटिक्स में बहुत थोड़ी है, ज़रा कुछ होता नहीं तो एक नया हंगामा बन जाता है, नई इंस्टेबिलिटी आ जाती है, इलेक्शंस आ गए, उसके बाद झगड़े आ गए, धरना आ गया, आई मीन मौलवी चल पड़े, लड़ाई हो गई, ये हो गया, गवर्नमेंट बदल गई, तो वो जब जिस तरह कुछ होता है तो इन्वेस्टर जो वो रुक जाता है, जब इन्वेस्टर रुकता है तो डेवलपर जो हमारी तरह का होता है उसका बिजनेस भी नीचे आ जाता है। तो आपकी बात बड़ी अच्छी की आपने,
तो इसमें स्टेबिलिटी क्योंकि कम होती है तो हाई कम होता है तो लो ज़्यादा होता है, जब लो होता है तो बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। इसमें फैज़ा मैं हमेशा जब भी रियल इस्टेट को देखता हूँ तो मैं पॉलिटिकल एनालाइज पहले करता हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम को पहले देखता हूँ, फिर मैं उसके मुताबिक रियल इस्टेट में जाता हूँ। अब एग्जांपल बता दूँ, मैं 2004 में, आज है 2021, 2004 में मैं ग्वादर गया था 2004 में। बल्कि ये कहना बचाओगा कि आपने उस वक्त ग्वादर में इंटरेस्ट शो किया जब ग्वादर में इतना इंटरेस्ट कुछ नहीं था, कुछ था कुछ नहीं था 2004 में, आज 2021 है, आज जाके हमारी कौम और लोग और दुनिया पूरी ग्वादर में बिलीव करती है कि ग्वादर बन रहा है, सी पैक बन गया, बन रहा है, फेज़ टू शुरू हो गया, सी पैक का रोज़ अखबार में एक एक पेज रोज़ आ रहा होता है कि क्या हो गया, क्या हो रहा है। पर 2004 में मैं गया था और मैंने बहुत बड़ा चंक ज़मीन का ख़रीदा और स्कीम अप्रूव कराई थी। वो क्या था कि 2004 में मैंने पॉलिटिकल हवा देख ली थी कि चाइना राइज कर रहा है, जब चाइना राइज करेगा तो अमेरिका उसको रोकेगा, और रोकेगा कैसे कि साउथ चाइना सी जो उसका जहाँ से उसका सारी सारी सारा सामान आता है और जाता है वहाँ से उसको डिस्टर्ब, वहाँ पे उसको डिस्टर्ब करेगा। और चाइना के पास एक ही रह जाएगा रास्ता कि पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर आए, इंडियन ओशन में आए, काउंटर रास्ता निकाले। तो वो सोच के, पॉलिटिकल सोच के मैंने ग्वादर में इन्वेस्टमेंट की, और आज अल्लाह का शुक्र है, करम है कि मेरी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी अच्छी गई और पाकिस्तान का फ्यूचर भी सी पैक पे ही डिपेंड करता है। पाकिस्तान का जो आज इकॉनमी चल रही है या जितना भी आप और मैं या कोई भी खा पी रहा है या कुछ भी गुजारा कर रहा है वो सी पैक की इन्वेस्टमेंट के साथ चल रहा है। ये जो बिजली आ रही है ये भी सी पैक का पैसा। आपका इंटरेस्ट इसका मतलब है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर आपने चाइना के हवाले से बात की तो जब चाइना ने अपना इंटरेस्ट शो किया पाकिस्तान के साथ, जो कि बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारी तरफ से भी रहा, आप क्या समझते हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो आगे क्या होगा, और बिलखसूस बहैसियत शहरी या बहैसियत सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये एक कंसर्न होता है कि क्या जब हम किसी नई जगह पे एक नया रابطہ कायम करना जा रहे होते हैं और एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं जहां हम अमेरिका के बिल्कुल सामने स्टैंड कर रहे हैं कि एक तरफ अमेरिका और चाइना की बन नहीं रही है और ब्लॉक जो है वो टूट टूट चुके हुए हैं, रशिया पाकिस्तान चाइना एक तरफ आ रहे हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस ब्लॉक की सिचुएशन में पाकिस्तान को कितना फ़ायदा रहेगा? देखिए, इसकी बैकग्राउंड में चले जाए, जब पाकिस्तान बना 47 में तो ये वर्ल्ड वॉर टू के आफ्टरमैथ में बना जी। जब वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म हुई तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया भी और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ। उस वक्त वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के साथ ही दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई, एक कैपिटलिज्म जो अमेरिका लीड कर रहा था यूरोप के साथ, और एक कॉम्युनिज्म सोशलिज्म जो रशिया लीड कर रहा था। तो ये दो, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म कॉम्युनिज्म, ये दो ब्लॉक्स बन गए। हमें चॉइस कोई नहीं थी, उन दोनों में से किसी को ज्वाइन करना था, हमने कैपिटलिज्म में गए, हम अमेरिका को ज्वाइन किया। और अमेरिका को हमारी उस वक्त ज़रूरत थी कि कॉम्युनिज्म जो रशियन ब्लॉक है उसको रोकने का कि वो साउथ चाइना सी में ना आ जाए, ग्वादर ना आ जाए। बिकॉज रशिया का नक्शा देखें तो रशिया और सेंट्रल एशिया जितना भी है उसको लैंड लॉक्ड है, उसको सी लगता है इंडियन ओशन का, बिल्कुल, तो वो उधर ना आ जाए। इसके लिए अमेरिका लिए पाकिस्तान बड़ा इम्पोर्टेंट था, और अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और हम अमेरिकन ब्लॉक में चले गए, और फिर सेंटो और नेटो वगैरह बने, और अमेरिका ने हमें बेपनाह एड दी। और अयूब खान का ज़माना था जब पाकिस्तान स्टेबल हुआ और अमेरिका ने हमें एड दी अच्छी खासी और खुशहाली लाए थे। अच्छा, अब उस दौर में अमेरिका, हम न्यूक्लियर जब हुए तो अमेरिका को पसंद नहीं था, तो अमेरिका और हमारी टसल रही, वो चाहता नहीं था हम न्यूक्लियर बने, हम न्यूक्लियर बन रहे थे, हम इंडिपेंडेंस ले रहे थे। सो इसके लिए अमेरिका हमें इतना देता था जितना हम गुजारा कर सकें बट हम खुशहाल ना हो सकें। अच्छा, ये इन द मीन टाइम जब रशिया टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई, अमेरिका अकेला पावर बन गई। जब अकेला पावर बन गई तो अमेरिका ने फिर दुनिया को बर्बाद करना शुरू किया, इराक को बर्बाद किया, अटैक्स करना शुरू कर दिए, इराक को किया, ईरान को किया, असलहा बेचना शुरू कर दिया, हर किसी को जंग की तरफ उकसाया, हर चीज को लगाई, पाकिस्तान को थ्रेट किया।
तो अमेरिका उधर को चल पड़ा। जब उधर को चल पड़ा तो हम बड़े इनसिक्योर थे। इन द मीन टाइम जब चाइना बढ़ा जी, और अब अमेरिका ने चाइना को थ्रेट करना शुरू कर दिया, और चाइना इतना बड़ा हो चुका हुआ था आज से 2-3 साल पहले कि चाइना उसकी थ्रेट नहीं ले रहा था। सही। तो इसके लिए अब अगेन मल्टीपोलर वर्ल्ड में चलेगी बात, अमेरिका चाइना, चाइना के हम क्लोजेस्ट अलाई हैं, चाइना के 17 बॉर्डर्स हैं, 17 मुल्कों के साथ चाइना का बॉर्डर है, खाली 2 के साथ चाइना का झगड़ा नहीं है, हम और नॉर्थ कोरिया, बाकी सब के साथ चाइना का लैंड डिस्प्यूट्स हैं। और बिल्कुल लैंड डिस्प्यूट्स, लद्दाख को ही देख लें, लद्दाख को ले लें, साउथ चाइना सी में ले लें, फिलिपीन के साथ, अपना वियतनाम के साथ, जापान के साथ, हर एक के साथ उसके आइलैंड्स के झगड़े हैं। बिल्कुल। तो चाइना के हम क्लोजेस्ट लाए हैं, सो हमें बिल्कुल नहीं झकना चाहिए चाइना के साथ रिलेशनशिप रखने में और चाइना के साथ चलने में। हमारा बका ही है चाइना के क्लोजेस्ट अलाई बन के, और चाइना ने आपको $70 बिलियन का सीपैक का एक प्रोजेक्ट हमें दिया, उसके बाद फर्दर दे रहा है, आपकी इकॉनमी को डेवलप कर रहा है, हर चीज़ चाइना कर रहा है। जब तक चाइना है आप कायम है, और आपको बिल्कुल झिकना नहीं चाहिए चाइना की वजह से। अच्छा इम्तियाज रफ़ी साहब, हमने एक चीज़ और भी देखी कि हमारे यहाँ बहसी तिखो में एक और प्रॉब्लम भी आती है, वो ये होती है कि जब कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या मुल्क के अंदर एक खुशहाली आना शुरू हो जाती है, तो एक ख़ास किस्म का ग्रुप होता है जो अनार्की फैलाना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारे रिजर्वेशंस थी कि आया चाइना हमारे साथ इन फ्यूचर क्या ट्रीट करेगा, हमें एज अ सर्वेंट के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। फिर कुछ लिखने वालों ने यहाँ तक लिख लिया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना कहीं हो जाए, यहाँ तक की बातें की जाती रही। तो आप क्या समझते हैं कि जहाँ अब टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी हुई है, हर चीज़ के ऊपर आपकी दस्तरस मौजूद है, और अब हमें ये भी मालूम है कि अगर कोई पाकिस्तान का दोस्त है तो वो क्यों है, और अगर कोई दुश्मन है तो वो भी क्यों है, अब हम अपने जगह को तो इतनी स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकते कि कोई बाहर की जंग यहाँ आके करे जैसे माजी में कहीं देखा होता रहा है। आप क्या समझते हैं कि चाइना के साथ जो इस तरह की रिजर्वेशंस सोची जा रही हैं या जो रिजर्वेशंस लोगों के माइंड में चल रही हैं, ये किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक मनफी हैं? देखिए, जहाँ तक लोगों का तल्लक है ना, तो मैं बात यहाँ पे क्लोज करूँगा कि 7 बिलियन अरब लोग, 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में, और 2 बिलियन तो खुदा को ही नहीं मानते। जी, मतलब बात यहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब आप कीड़ी देख लें, चीड़ी देख लें, अंडा देख लें, कोई चीज़ देख लें, उसमें खुदा नज़र आता है, कुदरत है, तो ये सारा कुछ है। बट 2 बिलियन 7 बिलियन में से खुदा को मानते ही नहीं, उसका क्या जवाब दोगे आप? ठीक है, इस तरह ही कोई चीज़ भी पॉजिटिव हो रही होगी तो वही 20% लोग तो वैसे ही नेगेटिव होंगे या नेगेटिव बात करेंगे। अब बात यह है कि नेगेटिविटी जो है, हर इंसान में से बहुत सारे लोग हैं जिनका माइंड नेगेटिव में चलता है, पॉजिटिव में कम लोगों का चलता है। जिसका नेगेटिव में चलता है तो वो नेगेटिविटी क्रिएट कर लेता है और नेगेटिव बात करता है। अच्छा, बट नेगेटिव बात करने का ये मतलब नहीं है कि चीज़ वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। तो आपकी बात कि हमारा देखें, मुल्कों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं। चाइना को हमारे साथ कोई इश्क और मोहब्बत नहीं है, चाइना की हम ज़रूरत हैं। वो हमें दे रहा है सारा कुछ, हमें डेवलप करेगा, हम भी उससे मोहब्बत करते हैं बिकॉज हमारी ज़रूरत है चाइना, तो चाइना हमें देगा। तो जहाँ तक आप अपने आप को साथ डेवलप करते रहें और आप अपने आप को साथ डेवलप करें, तो फिर चाइना हो या कोई मुल्क भी हो, वो आपको मैट डोर मैट की तरह। इन शॉर्ट आप कहना ये चाह रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। हाँ। कि आप इसके जरिए अपने आप को बिल्ड कर लें और फिर अगला आपको रिकॉग्नाइज करता है, और अगर आप बिल्ड ही ना करेंगे फिर आपको अगला यूज ही करेगा। सही, मौजूदा दौरे हुकूमत को रियल एस्टेट के बिजनेस के हवाले से आपने कैसा पाया? बहुत अच्छा। ये वाद गवर्नमेंट है इमरान खान की, जो रियल एस्टेट पे जिसने फोकस किया हुआ है, और जो रियल एस्टेट पे फोकस करके तो रियल एस्टेट को तरक्की दे रहा है। 42 इंडस्ट्रीज़ रियल एस्टेट, जब आप रियल एस्टेट को आप फ़रोख देते हो तो 42 इंडस्ट्रीज चलती हैं, अपना बिचमन की, ईंटों की, बेशुमार इंडस्ट्री, अपना सैनिटरी, सारा कुछ चलता है। तो ये वाद गवर्नमेंट है पिछले 70 साल में जिसने रियल एस्टेट पे इतना फोकस किया है, और रियल एस्टेट पे मैं कहूँगा हैट्स ऑफ टू इमरान खान, ही इज़ ट्राइंग इज बेस्ट के कौम रियल इस्टेट को लेकर चले और फंडिंग भी हो, गरीब आदमी घर भी ले सके और कुछ कर सके। तो रियल इस्टेट को, ये वाद गवर्नमेंट है जिसने रियल इस्टेट को
فروغ دی ہے اور بیک اپ کر رہی ہے. پہلی گورنمنٹس نے ریئل اسٹیٹ کو خراب کیا. ریئل اسٹیٹ کے فیوچر کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کہا ایک عام آدمی کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ زمین جو ہے نا وہ کبھی کسی کو بھوکا مرنے نہیں دیتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس کے لیے کیسے ہیں؟ دیکھیں ریئل اسٹیٹ پاکستان میں تو بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں دیکھیں آپ 90% 95% لوگوں کو اسٹاک مارکیٹ کا نہیں پتہ, نہیں معلوم بالکل, اور وہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے اسٹاک میں آپ انویسٹمنٹ کریں. پھر اگر آپ کوئی دکان کھولتے ہیں یا کوئی فیکٹری کھولتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, اس میں کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ ایک ایسی چیز ہے جہاں کہ آپ کے پاس اگر 5-10-20 لاکھ کی سیونگ ہے تو آپ انویسٹ کر سکتے ہیں, اور آپ سوئے بھی ہوں گے وہ انویسٹمنٹ بڑھتی جائے گی ایز لانگ ایز اٹ از ود دا رائٹ گروپ. تو ریئل اسٹیٹ شوڈ بی انکریجڈ, اٹ شوڈ بی ریگولرائزڈ. اور ریئل اسٹیٹ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں پہ نقصان نہیں ہوتا, منافع ہی فائدہ ہوتا ہے. انڈسٹری اگر بند ہوگی تو مشینری زیرو پہ آ گئی, اس کی آدھی اسکریپ ہو گیا. ریئل اسٹیٹ اگر پلاٹ پڑا ہوا ہے تو اس نے آج سے دوگنا ہی ہونا ہے, اس نے کم کی طرف نہیں جانا ہے. اٹ از ویری گڈ کہ یہ گورنمنٹ ریئل اسٹیٹ کو انکریج کر رہی ہے اور غریبوں کو یہ موقع دے رہی ہے کہ وہ اپنا گھر بنا لیں یا گھر خرید لیں. کووڈ 19 کے بعد ہم نے دیکھا کہ اکانومی کے لحاظ سے سچویشن بڑی خراب رہی ہے اور آل اوور دا ورلڈ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا, بالخصوص پاکستان بھی اس میں شامل ہوتا ہے. ریئل اسٹیٹ کا بزنس جو ہے وہ تب ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس اتنی پاور ہو کہ وہ کسی چیز کو خرید سکتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو پیسے تھے وہ بھی اب لوگ باہر نکالنے سے کتراتے ہیں, اور آپ جس بزنس کو ڈیل کر رہے ہیں یہاں پر پرچیزنگ پاور ہونی چاہیے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کووڈ 19 کی وجہ سے یہ بزنس کتنا متاثر ہوا؟ دیکھیں کووڈ 19 نے تو پوری دنیا کو الٹا دیا, اور خالی پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو الٹا دیا. جی اس نے ایسے ایسے بزنس کو برباد کیا جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. لنڈن, نیو یارک, امریکہ جہاں بھی جائیں تو جو چھوٹی دکانیں تھیں, ریسٹورینٹس تھے, وہ برباد ہو گئے اور وہ لوگ دوبارہ سر بھی نہیں اٹھا سکیں گے اس بزنس کے لیے. تو یہ ایک بہت بڑا عذاب پوری دنیا پہ آیا, گلوبل آیا, پاکستان پہ بھی آیا, بٹ پاکستان پہ پھر تھوڑا ہے, دنیا میں زیادہ. تو یہ ایک عذاب ہے. یہ آج سے 100 سال پہلے آیا تھا جب اسپینش فلو آیا تھا, جس کو کہتے ہیں اسپینش فلو. تو اس وقت بھی دنیا کی آبادی کو میرے خیال 4-5 بلین تھی اور جی. اور کوئی 8-9 کروڑ بندہ مر گیا تھا. یہ 100 سال کے بعد دوبارہ آیا. تو اٹ از اے بیڈ سچویشن, بٹ پاکستان میں پھر بھی اتنا بیڈ نہیں جتنا دنیا میں ہے. اگر ہم ایسو پیس کو فالو کر لیں تو پھر ہم اب آگے پاکستان کو شاید اس کا تھوڑا سا فائدہ بھی ہو جائے کہ جو لوگ آپ کے پاکستانی باہر تھے وہ واپس آ رہے ہیں, وہاں پہ ڈس اپوائنٹڈ ہو کے واپس آ رہے ہیں. جب واپس آ رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے اور اپنی اسکلز بھی لے کر آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کووڈ نے دنیا کو زیادہ نقصان دیا, پاکستان کو کم دیا کمپیریٹیولی. اور بٹ بیسکلی اٹس اے ویری سیڈ تھنگ, اور کووڈ نے پریشان کیا ہوا ہے. آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہ ماؤنٹینرس چلے تو ان میں بھی ایک کو کرونا ہو گیا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ, اور اس کو ہیلی کاپٹر گیا اٹھا کے واپس لے کر آیا, کرونا ماؤنٹ ایوریسٹ پہ پہنچ گیا ہوا ہے. اچھا رفیع صاحب, ہم نے بہت ساری باتیں آپ سے کی ہیں. ایک جو جنرل پرسیپشن, ایک عام سوال میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی. آپ نے گرین ایکٹس کے نام سے بھی ایک پروجیکٹ کیا ہوا ہے, آپ کا گروپ جو ہے وہ اتنا کلین کیسے رہا؟ یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہاں پر ہم دیکھا کہ جو بھی گروپ سامنے آتا ہے اس پہ ڈھیر سارے نیب کے کیسز سامنے فوری طور پہ آ جاتے ہیں, یا پھر بہت سارے پروجیکٹس ایسے ہیں, میں نام کسی سوسائٹی کا لینا نہیں چاہوں گی, لیکن وہاں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ کیے گئے. تو آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ میں فیضہ دعوے سے کہوں گا کہ آئی ایم ویری پراؤڈ, ویری ویری پراؤڈ کہ مجھے 42 ایئرز ہو گئے ہیں ریئل اسٹیٹ بزنس میں, اور ایک کیس میرے پہ یا انویسٹیگیشن میرے پہ نیب کی نہیں ہے, ایک بھی. اس کی وجہ آپ نے اپنے آپ کو شروع سے ویئر ایز ایز یو سیڈ کہ ہارڈلی کوئی ریئل اسٹیٹ والا ہے جس پہ انکوائریز نہیں ہے یا نیب میں اس کی. پاکستان کی رینون سوسائٹیز جو ہیں وہ انوالو ہیں کرپشن میں, انویسٹیگیشن نہیں ہے. اچھا آپ کی بات کا میں جواب دینا چاہوں گا کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ ایک تو جب میں نے ایک تو اٹس ان دا بلڈ آف مائی کمنگ فرام مائی فادر کہ آئی وڈ لائک ٹو اسٹے کلین, نمبر ون.
फिर जब मैंने अपने बाप पर रिसर्च की और उनकी अजीम शख्सियत देखा तो मैं फिर सोच भी नहीं सकता कि मैं ऐसे किसी रास्ते की किसी रास्ते पर जाऊँ। दो और थर्ड चीज़ है, मैंने लालच कभी नहीं की बिज़नेस में। मुझे अगर कोई बिज़नेस प्रपोजल आया है तो वो उसमें अगर 1 बिलियन बनता है बट 7-2 रफड़ है तो मैं कहता हूँ मैं नहीं करता। दूसरे में 0.5 बिलियन बनता है बट रफड़ कोई नहीं तो मैं वो कर लूँगा। सो मैंने बड़ा सिलेक्टिवली वो प्रोजेक्ट्स किए हैं जिसमें रफड़ ना हो और लालच नहीं की। जब आप रफड़ नहीं होगा, लालच नहीं होगी तो आप क्लीन रहते हैं और वो अल्टीमेटली फैज़ा पे ऑफ करता है। आज मैं कहता हूँ हमें पे ऑफ कर रहा है बिकॉज पब्लिक हैज़ दी फेथ इन अस और आप पे वो ट्रस्ट करते हैं। आज फेथ है, ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं और ब्लाइंडली हमारा प्रोजेक्ट बिकता है। ग्रीन पम्प ब्लाइंडली बिका है और वो इन्वेस्टमेंट है इन ग्वादर, तो वो आज पे ऑफ कर रहा है। मगर आई हैव मतलब अच्छा थर्ड चीज़ है कि मैं बिलीव करता हूँ कि रेपुटेशन इज़ द प्रीमियर ऑफ रियल एस्टेट ऑफ एनी बिजनेस। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है तो आप 10 रुपए के साथ काम कर सकते हैं, अगर रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो आपको 100 रुपए चाहिए। सो आई हैव ट्राइड टू प्रोटेक्ट माई रेपुटेशन एंड विद प्राइड आई विल रिपीट कि हमारे पे एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है ऑफ नैब और FIA और एनीथिंग। एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, अपना केस तो छोड़ दो, एक इन्वेस्टिगेशन नहीं है बिकॉज आई हैव बीन वेरी कॉशियस अबाउट दैट। लास्ट में मेरे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको देख भी रहे हैं सुन भी रहे हैं, हमें एक ऐसा उसूल बता जाए, मेरे नाज़रीन को बता दीजिए बिलखसूस इकॉनमी के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से क्या मैसेज देना चाहेंगे। फैज़ा ये कहूँगा कि पाकिस्तान में फेथ रखें। पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है जितना हमारे दुश्मन समझते हैं या हमारे कई नेगेटिव लोग समझते हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, एक न्यूक्लियर कंट्री है, 5th largest आर्मी है पाकिस्तान की। चाइना जो इस वक्त नंबर 2 या नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है अमेरिका के मुकाबले का, कर दिया उसने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया उसके मुकाबले का है, वो पाकिस्तान की अजमत और पाकिस्तान का सर्वाइवल चाइना का सर्वाइवल है। सो वो पूरी तरह आपसे खड़ा है। आप में कुछ नेगेटिविटीज़ हैं पास्ट की, वो ठीक होने को जा रही हैं। आज का ज़माना, आज का दिन विद सोशल मीडिया एंड विद दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वो ये है कि शोर ज़्यादा मच जाता है, चीज़ कम होती है। वो भी फ़ायदा है पाकिस्तान का, उसमें भी फ़ायदा कि अगर कोई गलत चीज़ होगी तो शोर ज़्यादा मचेगा, ठीक होगा। पाकिस्तान में फेथ रखें, पाकिस्तान की आई बिलीव बेहतर गवर्नमेंट है, बेहतर गवर्नमेंट्स आएंगी और चीज़ें बेहतर होंगी और जो पाकिस्तान की नेगेटिविटीज़ और बुराइयाँ पुरानी चाइना की वजह से, चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना की एडवाइस, चाइना का डिज़ायर के साथ आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। सो पाकिस्तान विल बी अ बेटर कंट्री देन वी कैन थिंक, प्रोग्रेसिव कंट्री एंड अ हैप्पियर कंट्री देन वी कैन थिंक। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है, लेकिन जाने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि कोरोना को हम सब ने मिलकर शिकस्त देनी है, SOPs को फॉलो करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि हम अपने आप को और अपने साथ दीगर लोगों की जान की हिफाजत खुद करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मज़न फ़ायज़ा बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।